नमस्कार, मैं हूँ मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। भोजपुर जिला अंतर्गत कोइलवर प्रखंड के बिशुनपुरा बांध स्थित मनोकामना सिद्ध पंचमुखी हनुमान मंदिर के प्रस्तावित स्थल पर 3 दिवसीय भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व फलाहारी बाबा वीरेंद्र पाठक ने किया। नवनिर्माण 2018 दशहरा तिथि को यहाँ पर झंडा गाड़ा था। उसके बाद जेठ के गंगा दशहरा के हर साल अगले साल भी शोभा यात्रा हुआ और विशाल 3 दिन का भंडारा हुआ हर कीर्तन के साथ। और इन साल भी लिट्टी चोखा का भंडारा 2 दिन चला और तीसरे दिन खिचड़ी का भंडारा है, जो कि घाट से लेकर और गांव तक सभी लोगों, बोलने वाले से लेकर बिना बोलने वाले जीव के भी भंडारा है यहाँ, जो कि जितने भी जिया जंत हैं उनके लिए भी। अभी आगे की ओर हम लोग चल रहे हैं उनको प्रसाद देने के लिए। हमारा नाम हुआ अनोखा बाबा, पंचोटी धाम बिशुनपुरा, मनोकामना सिद्ध पंचमुखी हनुमान जी महाराज, पंचोटी धाम बिशुनपुरा, सेवक अनोखा बाबा फलाहारी जी महाराज। इस संदर्भ में फलाहारी बाबा ने बताया कि लॉकडाउन के कारण प्रस्तावित मंदिर का शिलान्यास रोकना पड़ा, लेकिन भंडारा का आयोजन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर किया गया। उन्होंने बताया कि मंदिर निर्माण स्थल पर 2 वर्षों से कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में भोजपुर समेत शाहबाद प्रक्षेत्र और वाराणसी अयोध्या से कई साधु संतों का समागम हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार।